जय भीम, नमो बुधाई साथियों, मैं हूं सचिन कुमार कैन, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहद गंभीर विषय पर। आज वर्तमान समय में बहुजन समाज के युवा हाथों में जातियों की तख्ती लेकर के चलते हैं। गाड़ियों पर लिखवाना या फिर घर के बाहर लिखवाना वो एक अलग बात हो गई, पर पिछले कुछ समय से एक नया ही चलन चल गया है, एक नया ही ट्रेंड चला है कि जाति की नेम प्लेट बनवा लेंगे, इस तरह की वो एक नेम प्लेट रहेगी और उसको उठा करके इस तरह से चलते हैं। किसी भी कार्यक्रमों में देख लो आप, यहाँ तक कि ब्याह शादियों में उसको लेकर के चलते हैं। अभी कुछ समय पहले मैं एक शादी में गया हुआ था, तो शादी में स्टेज का कार्यक्रम होता है, दूल्हा दुल्हन बैठे हुए होते हैं, सब लोग नोट लगाते हुए फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो फ़ोटो खिंचा रहे थे तो एक लड़का आया भगा हुआ और उसने नेम प्लेट हाथ में ली हुई थी, जाटव लिखा हुआ था उस पर, इस तरह से उसको उन्होंने उठा लिया और फिर नारे लगाने लगे, जय भीम जय भीम। अब मैं खड़ा हुआ सोचने लगा कि यार ये जाटव की इसने नेम प्लेट भी उठाई हुई है और नारे लगा रहा जय भीम जय भीम। हम जब बाबा साहब को पढ़ते हैं तो हमने कहीं पर ये नहीं पढ़ा कि बाबा साहब ने किसी एक विशेष जाति की बात कही हो, और ना सिर्फ बाबा साहब के बारे में बल्कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, किसी भी महापुरुष का के बारे में यदि हम अध्ययन करें तो किसी भी महापुरुष के बारे में ये हमें नहीं देखने को मिलेगा कि किसी भी महापुरुष ने किसी एक विशेष जाति की बात कही हो। किसी भी महापुरुष ने नहीं कही, जितने भी महापुरुष हुए हैं उन तमाम महापुरुषों ने समाज की बात कही है, बहुजन समाज की बात कही है, समाज को संगठित करने की बात कही है। और समाज, किसी एक जाति को समाज नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जाटव समाज, वाल्मीकि समाज, बेरोआ समाज, फलाना समाज, ढिमाका समाज, कोई एक जाति, और जाति भी नहीं उपजाति, कोई एक उपजाति समाज नहीं हो सकती, बहुत सारी जातियां मिलकर के समाज बनाती हैं, जैसे बहुजन समाज हो गया। अब यदि बात करें, तथागत बुद्ध ने बहुजन शब्द दिया, उन्होंने कहा कि चर्त भिक्वे चारिकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अंतानुहिताय लोकानुकम, इस तरह की बातें तथागत बुद्ध ने कही। जितने भी महापुरुष हुए हैं तमाम महापुरुषों ने समाज की बात कही है, समाज को संगठित करने की बात कही है। परंतु अपने समाज के युवाओं को जब हम देखते हैं तो वो जाति का जाति की नेम प्लेट लेकर के चलते हैं, बाइकों पर स्टंट करते हैं, और ये बात कहनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे अब कहने लगे कि भाई आपत्ति क्या है, इससे नुकसान क्या है। तो नुकसान इससे ये है कि कहीं ना कहीं जो बहुजन मूवमेंट है, जो हमारे महापुरुषों का एक सपना है कि भारत को बौद्धमय बनाना, भारत के अंदर समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता का एक राज स्थापित करना, कहीं ना कहीं ये उसके लिए घातक है। घातक क्यों है? क्योंकि मैंने नेम प्लेट उठा ली जाटव, दूसरे व्यक्ति ने उठा ली वाल्मीकि, तीसरे ने उठा ली बेरवा, चौथे ने उठा ली मेघवाल, उसने उठा ली क्या, इस तरह से सबने अलग अलग अपनी उठा ली। अब जब उठा ली, आपस में ही फिर भिड़ेंगे, भिड़ते फिरेंगे, और होता भी है आज के समय में ऐसे ही। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कोई एक जाति के नाम से कोई एक गाना आता है, या जाति के नाम से कोई एक शेर शायरी बहुत सारी होती हैं, जाति के नाम से कोई एक वीडियो बनाएगा तो उस पर दूसरी जाति के लोग कमेंट करेंगे, दूसरी जाति के लोग उस पर तंज कसेंगे, और क्यों नहीं कसे जाएंगे भाई? भाई तुमने कंपटीशन किसके प्रति खड़ा कर दिया? कंपटीशन तुमने कहीं ना कहीं अपने ही समाज के व्यक्ति के प्रति खड़ा कर दिया। यदि तुमने जाटव नाम, जाटव की नेम प्लेट लेकर के चल दिया, तो तुमने दूसरा जो वाल्मीकि है, जो अपने समाज का व्यक्ति है, तुमने उसके प्रति कंपटीशन खड़ा कर दिया। तुम उससे भिड़ोगे, उससे लड़ोगे, तो कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। और बाबा साहब को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, बाबा साहब ने कहा है कि जाति पर गर्व करना अपनी गुलामी पर गर्व करना है। तो ये जो जाति है कोई गर्व का विषय नहीं है, गुलामी का विषय है। तुम अपनी गुलामी को ही ढोए फिर रहे हो, अपनी गुलामी पे ही गर्व कर रहे हो, अपनी गुलामी का ही नेम प्लेट ले करके चल रहे हो। एक तरह से गाली दी जाती है, उस तरह से ये जाति के हमें शब्द दिए गए हैं। कल को कोई गधा कह दे तो गधा, गधे की इसमें वो नेम प्लेट बनवा के चल दो, नेम प्लेट उठा के चल दो। तो हमारे महापुरुषों ने ऐसा नहीं किया, हमारे महापुरुषों ने ऐसा नहीं करा। अपने महापुरुषों को पढ़ो, और जितने भी जो प्रबुद्ध जन हैं, जो समाज में एक अच्छी समझ रखने वाले लोग हैं,
उनसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि जब भी आप इस तरह की नेम प्लेट लिए हुए किसी व्यक्ति को, किसी युवा को देखें, तो उससे रोक करके एक सवाल ज़रूर पूछ लें। हालांकि डायरेक्ट पूछ ले तो वो लड़ने को आएगा, मारने को आएगा, तो उससे बस एक छोटा सा एक सवाल ये पूछ लें कि भाई एक छोटी सी बात, एक आप एक ये बता दो कि इस जाति का कौन से महापुरुष की ये जाति है, पहली चीज। दूसरी चीज से ये पूछ लो कि तुम जय भीम के नारे लगा रहे हो या फिर बहुजन महापुरुषों की बात कर रहे हो, तो किसी एक महापुरुष का नाम बता दो जिसने अपने नाम के बाद में जाति लगाई हो, या जिसने किसी एक विशेष जाति की बात करी हो। इतिहास में कोई भी एक महापुरुष उठा करके दिखा दो जो बहुजन समाज का रहा हो और जिसने किसी एक विशेष जाति की बात करी हो। आपको कोई नहीं मिलेगा, कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं युवाओं को ये बात समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है कि ये बहुत ही ज़्यादा घातक एक तरह से चीज़ है, ये जो लोग जातियों की नेम प्लेट लेकर के चलते हैं। अब से पहले होता था कि गाड़ियों पर किसी ने लगा ली, घर के बाहर किसी ने लिख दिया, वो चीज़ पुरानी हो गई, मगर आज हाथों में लेकर के चलते हैं, बड़ा गंदा लगता है। कहीं ना कहीं बाबा साहब, हालांकि हम लोग पुनर्जन्म या इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते, परंतु एक कल्पना करके देख सकते हैं कि इस तरह के कृत्य को होते यदि हमारे महापुरुष कोई देख रहा होता तो उसकी प्रतिक्रिया का क्या रही होती। हम कल्पना करें कि आज 14 अप्रैल आने वाली है और 14 अप्रैल पर जगह जगह मूर्तियों के सामने इस तरह से नेम प्लेट लेकर के खड़े हो जाएंगे और ज़ोर ज़ोर से नारे लगाएंगे जय भीम जय भीम। अब कल्पना करो कि ये कृत्य बाबा साहब के सामने हो रहा होता या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस चीज़ को देख रहे होते, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या रहती, आप कल्पना कर सकते हो। बाबा साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मेरे नाम की जय जयकार मत करना, मेरा रुका हुआ काम पूरा करना। हालांकि रुके हुए काम को तो वो क्या पूरा करेंगे, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब की जीवनी तक नहीं पढ़ा होगा। जिस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति जाटव नेम प्लेट लेकर के चल रहा है, वाल्मीकि नेम प्लेट लेकर के चल रहा है, किसी भी तरह की जातिवादी या एक विशेष जाति की बात कर रहा है, विशेष जाति के कार्यक्रम आयोजित करा रहा है, विशेष जाति का के गाने बना रहा है, विशेष जाति की बात कर रहा है, उसने किसी भी महापुरुष की जीवन परिचय तक नहीं पढ़ा होगा, ये बात मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। महापुरुषों की विचारधारा से परिचित होने की तो बहुत दूर की बात है, मैं ये बात दावे के साथ में कह सकता हूँ कि किसी एक महापुरुष का जीवन परिचय तक उस व्यक्ति ने नहीं पढ़ा होगा जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक विशेष जाति की बात करता हो, जो व्यक्ति किसी एक विशेष जाति की नेम प्लेट हाथ में लेकर के चलता हो। और आज जो ये युवा लोग, आज जो ये युवा लड़के नेम प्लेट लेकर के चल देते हैं ना और जय भीम चिल्लाते हैं, इनसे रोक करके बस इतना पूछ लेना कि भाई बाबा साहब की 4 किताबों के नाम बता दो जो बाबा साहब ने लिखी हो, मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ 2 नहीं बता पाएंगे। बता दिया तो बस ज़्यादा ज़्यादा 1 बताएंगे, संविधान लिखा, ये बता सकते हैं। इसके अलावा उन्हें इतना तक नहीं पता होगा कि बाबा साहब ने कौन सी किताबें लिखी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कौन कौन सी किताबें लिखी। पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है, पढ़ने का तो छोड़ ही दो कि उन्होंने कुछ पढ़ा होगा, और अगर पढ़ने पर भी आए ना, अगर वो जय भीम के जयकारे हाथ में जाति की नेम प्लेट लेकर के चल रहे हैं और जय भीम के जयकारे लगा रहे हैं, तो उनसे बस इतना पूछ लो कि बाबा साहब की कौन सी किताब तूने पढ़ी है, कोई सी नहीं पढ़ी होगी। फिर उनसे ये पूछ लो कि बाबा साहब की जीवन परिचय पढ़ा है, जीवन परिचय तक नहीं पढ़ा होगा। फिर उनसे पूछ लो कि बाबा साहब ने अपने जीवन में, उनके जीवन की कही हुई कोई एक बात बता दो, वो तक नहीं पता होगा। बस पता है तो इतना कि बस आपका इस विषय में क्या मानना है, या किस तरह से जो ये युवा लोग हैं, जो नए लड़के आजकल के निकल के आ रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं, उनके विषय में क्या मानना है, आपका क्या कहना है, या और कौन सी वो बातें, सामाजिक मुद्दे हो सकते हैं जिन पर बात कही जानी चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें और
उस पर पूरी कोशिश रहेगी कि मैं मुझसे जितना हो पाएगा या मेरी जितनी नॉलेज में रहेगा मैं उतना बताऊंगा। इसके अलावा अभी प्लानिंग हमारी ये चल रही है कि हम जो और सामाजिक चिंतन हैं उनसे सामाजिक विषयों पर बातचीत करें और जो समाज है कहीं ना कहीं उसमें एक जागृति की ज्योत जले, एक जन जागृति आए और एक अच्छा मैसेज समाज के बीच में जाए। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं आपसे लेता हूँ विदा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।